और वहीं दूसरी ओर विदिशा में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला, कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलना जानती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तूफान आने वाला है, चुनी हुई सरकार को बीजेपी ने चोरी किया, हमने कर्नाटक हिमाचल से बीजेपी को भगाया, बीजेपी ने एक भी कारखाना नहीं खोला, कांग्रेस जनता के मुद्दे उठाती है, कांग्रेस 145 से 150 सीट जीत रही है। पांच साल पहले आप सब ने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी, बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी आपने। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया था, सही? और फिर बीजेपी के नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने, शिवराज चौहान जी ने, अमित शाह जी ने मिलकर एमएलएस को खरीद कर आपकी सरकार मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को चोरी किया। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं और मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है।